डेडिकेटेडली उसमें पढ़ना पड़ेगा। पर्टिकुलरली अगर आपके लिए लॉ सब्जेक्ट ही नया है तो आपको पढ़ना डेफिनेटली पड़ेगा। हाँ, बट उसमें आपको, आपके ऊपर ये ऑप्शन है कि आपको थोड़ा सा आप फिल्टर लगा सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे पेनल्टी हो गया, लिमिट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, आप लोग टाइटल से समझ चुके होंगे। मैं इतने दिनों से वीडियोस आप लोगों को बोलती हूँ, हमेशा वीडियो स्टार्ट करूँगी, बट फिर कुछ ना कुछ निकल जाता है क्योंकि फाइनल का मेरा ये लास्ट ईयर है और उस वजह से फिर मुझे वीडियो में ब्रेक भी लेना पड़ता है। और ये जो अभी तक ब्रेक आ रहा था उसका एक रीज़न यही था कि मेरे SPOM के क्लासेस चालू थे, SPOM के लेक्चर्स भी देखने थे, साथ में फाइनल के क्लासेस भी, ऑफिस के भी काम और उसके बाद एग्ज़ाम थी। बट मैंने बहुत सारे YouTube पे वीडियोस भी देखे और मैंने जो चैनल स्टार्ट किया है वो इसीलिए कि आप लोगों को, आप लोग बोलते हो कि दीदी आप आपकी स्टडी रूटीन्स शेयर करो, आपके टिप्स स्ट्रैटेजीज बताओ, तो वो सब चीज़ों की वजह से आप लोग भी वीडियोस देखना पसंद करते हो। तो आई थिंक मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, पर्टिकुलरली वो लोग जिनका अभी SPOM का एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, या आगे जाके भी जब आप वीडियो देखोगे SPOM के लिए स्पेशली। मैंने कल ही जो है 23 अगस्त को मेरा SPOM लॉ का एग्ज़ाम था, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा वो एग्ज़ाम का, एंड लकीली फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा जो है SPOM लॉ क्लियर हो गया विद 60 मार्क्स। तो कैसे मैंने पढ़ाई की, कैसे रजिस्ट्रेशन किया, क्या स्लॉट था, कैसे बुकिंग करना है, सब कुछ जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी और कुछ स्ट्रैटेजीज और टिप्स भी दूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ऐसे आने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस रहेंगे क्योंकि फाइनल की जर्नी ऑब्वियसली, अभी तो कॉस्ट की एग्जाम भी बाकी है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, तो आगे जाके आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी देखने मिलेंगे। सो गाइस, अभी अगर आप लोगों का इंटर क्लियर हो चुका है और अभी आप लोगों को फाइनल के एग्ज़ाम देनी है, तो इंटर से फाइनल का जो पीरियड होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जब मैंने मेरा इंटर दिया था ना और इंटर क्लियर हो गया था तो मुझे ऐसा लगा था 3 साल अभी कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ ऑफिस जाना है, आर्टिकलशिप है, सुबह से शाम तक ऑफिस में ही काम करना है, घर पर आओ और मज़े करो। बट जब मेरी आर्टिकलशिप एक्चुअली शुरू हुई तब मुझे लगा कि ये सब एक मिथ था, ऐसा कुछ नहीं होता, सुबह ऑफिस जाके उल्टा ऑफिस के बाद आपको टाइम निकालना पड़ता है वो सब चीज़ों के लिए जो आप बिना ऑफिस के घर पे करते थे इंटर के लिए, यानी कि वही पढ़ाई, वही क्लासेस, सब कुछ, और ये सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। मतलब मैं अभी पिछले 1 साल से जैसे जैसे मेरा पीरियड निकल रहा है, लास्ट ईयर ऑडिट, ऑफिस का ऑडिट का, फाइनल के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है उन चीज़ों को पूरा करते करते मुझे पता है कितनी डिफिकल्टीज है। जैसे कि आपको ITT देना पड़ता है, GMCS होता है, ITT की एग्ज़ाम होती है, और अब बीच में ICAI ने एक नोटिफिकेशन डाल दिया है SPOM एग्जाम्स का। तो अगर आप लोगों का इंटर क्लियर हो गया है तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी फाइनल का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जल्दी मतलब आपको ये भी देखना है कि फाइनल का रजिस्ट्रेशन आप जब भी करो तो उसके बाद ही आप लोग SPOM के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब SPOM के जो क्लासेस होते हैं ना वो आप लोगों को पहले मैंडेटरी 40 आवर्स के उनके लेक्चर्स उन्होंने डाउनलोड किए हुए हैं, पोर्टल पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोगों को लाइव जो है उस पर जाके कैमरा भी ऑन करना पड़ता है वो टाइम पे, और आपको वो लेक्चर्स देखने पड़ते हैं। जब आपके पूरे 40 आवर्स के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद 3 दिन का टाइम लेता है वो पोर्टल स्टेटस को अपडेट करने के लिए, और उसके बाद जाके आप जो एग्जाम के लिए स्लॉट्स कितने अवेलेबल होते हैं, कितने नहीं, आपके एरिया के हिसाब से, आपके जो भी आपका सेंटर है और आपके डेट्स के हिसाब से स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, और फिर आप खुद ही मतलब टाइम भी सिलेक्ट करते हो और डेट भी सिलेक्ट करते हो, बट प्रोवाइडेड कि आपको जो टाइम और डेट चाहिए वो स्लॉट्स में आना चाहिए। जैसे मैंने जब एग्जाम दिया था हमारे सेंटर पे 3 टाइम थे, एक 8 से 11 का था, एक 12 से 3 का था, और एक 4 से 7 का, तो ऐसे 3 स्लॉट्स थे। तो मैंने जो है मिडिल वाला स्लॉट लिया था। मैंने मिडिल का स्लॉट क्यों लिया था ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइज, ओके। तो ये प्रोसेस हो जाता है, 40 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं, कैमरा चालू रखना पड़ता है, और जब आप पूरा लेक्चर एंड तक देखते हो उसके बाद ही वो जो है कंप्लीटेड का स्टेटस देता है। अगर आपका बीच में लेक्चर बंद हो गया तो फिर आपको, अगर टेक्निकल एरर के वजह से हो जाता है, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच भी आ जाता है, तो आपको पूरा स्टार्टिंग से भी देखना पड़ता है। जैसे मैंने जब लेक्चर्स देखे तो 1-2 बार ऐसा हो गया था कि मेरा लेक्चर बीच में से बंद हो गया था, तो मेरे को पूरा लेक्चर वापस देखना पड़ा था, फिर उसके बाद जाके वो काउंट हुआ था। और कभी कभी ऐसे भी हुआ था कि बीच में ही बंद हो गया और फिर मैंने आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद चालू किया तो वो जहाँ पे स्टॉप हुआ था वहीं से भी स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ, इनकेस आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ता तो आपका उतना टाइम वेस्ट भी हो जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर जब आप स्टार्ट करो तो आप इंश्योर करो कि आप पूरा कंप्लीट करो, और ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब आपको इतने दिनों में ही देखना है या एक दिन में आपको इतने लेक्चर्स देखने, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने
मैंने जब लेक्चर्स देखना स्टार्ट किए थे तो मैंने 3-4 दिन में ही मेरे पूरा जो है कंप्लीट हो गया था सिलेबस, मतलब लेक्चर्स देखना कंप्लीट हो गए थे। लेकिन मैंने कुछ इतना ध्यान से सुना नहीं था लेक्चर्स को, मतलब लगा के मैं रख देती थी क्योंकि इतना ध्यान से मैं नहीं पढ़ती थी। क्योंकि अगर आप लोग जब वो क्लासेस भी देखोगे ना तो उनके PPTs है और वो PPT रीड करते हैं और थोड़ा बहुत बस इंग्लिश सेंटेंसेस चेंज करके वो उसमें बताते हैं, तो इतना कुछ उससे हेल्प तो नहीं होगा। और पर्टिकुलरली अभी जो ये SPM के एग्ज़ाम देंगे उसमें 2 कैटेगरी के लोग रहेंगे, एक वो जिन्होंने ऑलरेडी लॉ पढ़ा होगा ओल्ड स्कीम में और अब उनको न्यू स्कीम में शिफ्ट होने के बाद SPM लॉ के एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, और एक वो रहेंगे जो मैं जिस कैटेगरी में आती हूँ कि मैंने लॉ कभी पढ़ा नहीं था फाइनल का, तो फर्स्ट टाइम ही मैंने लॉ पढ़ा था ये एग्जाम देने के लिए। तो अभी जिन्होंने ऑलरेडी लॉ पढ़ा है उनको तो ठीक है, उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है तो उनको बस रिविजन करना है और फिर वो एग्ज़ाम देंगे। लेकिन जिन्होंने लॉ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए क्या है, तो देखो MCQ क्वेश्चंस है, पूरे 50 क्वेश्चंस आते हैं MCQ के और 3 आवर्स का टाइम होता है आपको, और MCQ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। मतलब मुझे ऐसा लगा था कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे बट नहीं, सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे, बहुत बड़े बड़े ऐसे केस स्टडीज रहते हैं और उसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो एक ही चैप्टर के रिलेटेड, एक चैप्टर का एक केस स्टडी होता है और उस पर 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। और जो सिलेबस है ऑलमोस्ट 14 से 15 चैप्टर्स है लॉ के, कंपनीज एक्ट के ऑलमोस्ट 8 से 9 चैप्टर्स हैं, उसके बाद आपका SEBI एक्ट, FEMA, FCRA और IBC ये चैप्टर्स होते हैं, बैंक सॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन वाला एक चैप्टर। तो जो मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस आता है, देखो ऐसा कहीं वेटेज वगैरह तो नहीं है, बट जो लास्ट के अदर लॉस के चैप्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक लॉस के, SEBI वाला चैप्टर और डायरेक्टर के फर्स्ट 3 चैप्टर्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पहली हिंट है जो लोग पढ़ाई करेंगे कि ये चैप्टर्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, मतलब SEBI, FEMA, FCRA, IBC और आपके कंपनीज एक्ट के डायरेक्टर्स के पहले 3 चैप्टर्स, ये इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरे क्वेश्चंस आते हैं पेनल्टी के ऊपर, मेरे एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस पेनल्टी पे आए थे, तो वो पेनल्टी के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से करके जाना। मतलब एटलीस्ट अब मैंने क्या किया था, मैंने सारे पेनल्टीज़ को एक पेपर पे लिख के रखा था और लास्ट डे पे एग्जाम पे जाने से पहले मैंने आधे घंटे पहले वापस उसको समरी मतलब पढ़ी थी। तो लर्न तो करना नहीं पॉसिबल होता है, लर्न भी कर लोगे तो क्या होता था प्रॉब्लम मेरे साथ कि मैं पहले पेज पे की पेनल्टी लर्न कर लेती थी एक सेक्शन की, दूसरे सेक्शन की लर्न करती थी, फिर तीसरे सेक्शन की जब मैं याद कर जाती तो मैं पहले सेक्शन में भूल जाती थी, मतलब कन्फ्यूजन इतना हो जाता था क्योंकि अमाउंट बहुत जगह सिमिलर है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट और कंपनीज़ के लिए लिमिट्स अलग है, कहीं जगह पे इम्प्रिजनमेंट भी होता है, कई जगह पे सिर्फ फाइन होती है, कई जगह पे दोनों भी होता है, तो याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। तो बस एक ही ऑप्शन है उसके लिए कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, ये गलत काम में बिल्कुल भी मत रहना, मैं बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ, बहुत लोगों सुनती हूँ कि अरे 2 दिन में पढ़ लेंगे, 1 दिन में पढ़ लेंगे, हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, आपको डेडिकेटेडली उसमें पढ़ना पड़ेगा। पर्टिकुलरली अगर आपके लिए लॉ सब्जेक्ट ही नया है तो आपको पढ़ना डेफिनेटली पड़ेगा। हाँ, बट उसमें आपको आपके ऊपर ये ऑप्शन है कि आपको थोड़ा सा आप फिल्टर लगा सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे पेनल्टी हो गया, लिमिट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कंपनी में ये पेड अप कैपिटल है, ये टर्नओवर है, तो इसको ये एप्लीकेबल है या नहीं है, तो लिमिट्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। और तीसरी एक और टाइप है कि कितने दिनों के अंदर, जैसे आप लोगों को पता होगा लॉ में आता है कि 30 डेज के अंदर ROC को फाइलिंग किया जाता है, 60 डेज के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो, तो ये जो रहता है ना नंबर ऑफ डेज, वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, वो डायरेक्ट भी आ सकते हैं या फिर आपको डायरेक्टली डेट्स दिए होते हैं और डेट्स नीचे मतलब एक डेट होता है और उसके बाद 30 डेज के बाद की जो डेट होती है वो भी ऑप्शन में दी जाती है, 15 डेज के बाद की डेट भी ऑप्शन में दी जाती है, तो आपको डेट सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो ऐसे भी मेरी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे, तो वो एक चीज़ है जो एग्ज़ाम में आती है। तो इस तरह से पढ़ाई करना है। पढ़ाई कैसे करना है, मैंने किसका रेफ़र किया था, मैंने शुभम सिंघल सर के जो है, मैंने उनके यूट्यूब पे भी बहुत सारे, उन्होंने एक प्लेलिस्ट बनाई है SPM की, बट मैं जब प्लेलिस्ट देख रही तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है मेरा एक चैप्टर में ही जा रहा है और मैं प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रही, तो उससे अच्छा मैंने फिर उनका जो PDF था एक शुभम सिंघल सर का, तो वो PDF ही मैंने रेफ़र किया था। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स मैंने विद वीडियो देखे थे, उसके बाद में मैंने खुद सेल्फ स्टडी की है पूरे लॉ के लिए, कोई लेक्चर वगैरह लिया नहीं है। और कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि फास्ट ट्रैक बैचेस आए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस आए हैं 2000-3000 में, तो वो पूरे वीडियोस देखो 40 घंटे के, 50 घंटे के या 30 घंटे के, तो प्लीज़ डोंट फॉल इन टू इट, ऐसे कोई भी लेक्चर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। 30 से 40 घंटा वीडियोस देखना और फिर सेल्फ स्टडी करना, इट इज़ फुल ऑफ टाइम पास, तो उससे अच्छा तो आपको अगर कोई PDF वगैरह मिल रहा है, तो मैंने तो पर्सनली सिर्फ शुभम सिंघल सर के नोट्स रेफर किए थे और फिर मैंने हेमंत सोमानी सर के एक MCQ का PDF था, तो MCQ और शॉर्ट समरी में पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो रहा था, वो भी मैंने एग्जाम के दिन सुबह में रेफर किया था, क्योंकि मैंने कितने दिनों की पढ़ाई की थी, तो जब मेरी एग्ज़ाम जैसे 23 को मैंने शेड्यूल की थी, मैंने
मेरा प्लान था वैसे ही 23rd का, बट मुझे ये चीज़ बाद में पता चली कि लेक्चर्स खत्म होने के बाद 3 दिन आपको देने पड़ते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 16 अगस्त को मैंने जो है मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया था, और फिर उसके बाद 2-3 दिन का ब्रेक लेके, जैसे मेरा एग्ज़ाम 23rd को था, तो मैंने ऑलमोस्ट 4-5 दिन जो है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा में पढ़ती थी, और लास्ट के 2 दिन मैंने डेडिकेटेडली पूरा जो दिन है मैंने उसी को मतलब ये किया था। मतलब अभी देखो, आप लोग मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो मुझे नहीं पता, मैं हमेशा बोलती मैं नाइट पर्सन हूँ, तो मैं रात के 2:30-3 बजे तक भी पढ़ती थी, ब्रेक भी लेती थी, पर 2:30-3 बजे तक भी मैं पढ़ती थी, और खुद के समरी नोट्स भी मैं बनाती थी और MCQs भी पढ़ती थी। तो इस तरह मेरा स्टडी रूटीन रहा है। और एग्ज़ाम के दिन मैंने क्या किया था, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, मैंने 12 बजे से 3 बजे का स्लॉट बुक किया था, इसीलिए क्योंकि मैं मॉर्निंग के स्लॉट में नहीं जाना चाहती थी। आपको मॉर्निंग का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो लिमिट्स है, जैसे मैंने बोला पेनल्टीज़ है, नंबर ऑफ डेज है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये फ्रेश रिविजन कर सकती हूँ मैं मॉर्निंग में। तो मैंने यही किया था, मैंने सुबह क्योंकि मेरे को 3 बज गए थे सोने के लिए रात में एक दिन पहले, तो मैं सुबह उठ के मैंने 9:30 बजे कुछ पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो मैंने 11:30 बजे तक, मेरे घर से सेंटर जो है वो 10-15 मिनट का ही उसकी दूरी थी, तो मैंने 11:30 बजे तक कुछ जो है मतलब 2-2.5 घंटा मैंने वापस एक बार रिविजन किया था। तो लिमिट्स जो थे, पेनल्टीज जो थी, वो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस पेनल्टी के आए, आई वॉज डैम श्योर कि ये क्लियर हो जाएंगे मेरे से। मतलब मैं आंसर भी जब दे रही थी तो मैं श्योर थी कि ये आंसर्स जो है वो आने वाले हैं। और फिर मैंने क्या किया था एग्जाम में, मैं जो क्वेश्चंस पे श्योर थी, वो श्योर क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट निकाली थी। हाँ, अब वहाँ पे आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जाना है या क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, बट उससे पहले जब मैंने लिस्ट निकाली थी और मैंने उसी में काउंट कर लिया था कि मेरे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, तो वो मेरे क्वेश्चन जब 25 के ऊपर चले गए थे, तो आई वॉज लाइक कि हाँ चलो 50 मार्क्स तो मेरे अश्योर हो गए, और उसके बाद फिर मैंने उस तरह से मार्क्स देखे थे। आपका जो टाइम शुरू होता है वो जब आप लॉग इन कर लेते हो उसके बाद से 3 आवर्स का टाइम शुरू होता है अगर, और पेपर में जो पेपर होता है वो 2 से 2.5 घंटे में आराम से हो जाता है, मतलब 3 घंटे की पूरी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मेरा खुद का पेपर 2.25 घंटे में पूरा हो गया था, वो भी मतलब केस स्टडीज़ पढ़ पढ़ के मुझे पता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं कभी कभी एक एक क्वेश्चन 2-2 बार भी पढ़ रही थी, तो वैसा करके एकदम टाइम पास करते करते भी 2-2.5 घंटे में मेरा पेपर आराम से हो गया था। और उसके बाद में आप लोग जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो आपका हॉल टिकट और साथ ही में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कुछ आईडी कार्ड लेके जाना है आपका, सब आपका आइडेंटिटी के लिए। मैं आधार कार्ड का जेरोक्स लेके गई थी तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने फिर ई आधार किया था मेरा, क्योंकि आपको एक्चुअल आधार ही जो है वो लेके जाना है, आधार कार्ड का जेरोक्स वगैरह नहीं चलता है, तो वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लेके जाते हैं। और फिर आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है वही आपको एक रफ़ पेज दिया जाता है, बस पेन आपका आपको लेके जाना है, एक रफ़ पेज दिया जाता है और कैलकुलेटर, वैसे तो लॉ में इतना कुछ कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं रहती है, अगर आपका मैथ्स वगैरह अच्छा है आप कैलकुलेट कर सकते हो 30 डेज 60 डेज़ वगैरह, तो कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है सेफर साइड के लिए, तो आप कैलकुलेटर, लॉ के लिए मुझे तो नहीं लगता कि कैलकुलेटर की ज़रूरत है, बट अगर आपको डेज़ वगैरह कैलकुलेट करने में कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आप लेके जा सकते हो। पेड अप कैपिटल वगैरह, नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स का काउंटिंग वगैरह करने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए तो आप लेके जा सकते हो। तो इस तरह का मेरा कुछ एग्ज़ाम था। और पेपर सबमिट कब कर सकते हैं, पेपर आपका जो सबमिट होता है वो आप मतलब आपका भले ही पेपर 2 घंटे में या 2.5 घंटे में हो गया तो आप तुरंत नहीं निकल सकते, लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में ही जो है सबमिट का ऑप्शन आता है, और फिर सबमिट के ऑप्शन के बाद भी आपको वो 3 बार पूछता है प्रोसीड करने के लिए कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट, तो 3 बार आपको ओके करने के बाद जो है आपकी स्क्रीन पे ही जो है मार्क्स आ जाते हैं, आपको कितने मार्क्स मिले, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने मार्क्स मिले, वेदर इट इज़ सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल आपको लास्ट पेज पे दिख जाता है, बट आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले नहीं सकते हो क्योंकि मोबाइल आपको अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अंदर लेके नहीं जा सकते हो, और प्रिंट वगैरह भी आप निकाल नहीं सकते हो। तो 24 आवर्स के बाद जो है फिर वो आपके पोर्टल पे, जहाँ से आपने SPM के क्लासेस किए थे वो पोर्टल पे ही आपके इस पे वो आ जाता है, और फिर आप उसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए या उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो गाइज, इस तरह का कुछ होता है SPOM लॉ का, लॉ का एग्ज़ाम, लॉ का प्रिपरेशन, लॉ की स्ट्रैटेजी, एंड ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था लाइक आई सेड, तो मुझे भी बहुत खुशी है फर्स्ट अटैम्प्ट, और फाइनल का एक पेपर मेरा हो गया। अब जो है अगली पेपर कॉस्ट की रहेगी, तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मैं कल ही ये वीडियो बनाने वाली थी बट नहीं बना पाई मैं, बट हाँ आप लोग कोशिश करूँगी आज ही जल्दी से जल्दी ये वीडियो आप लोगों को पहुँचाओ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसी तरह का कॉस्ट का वीडियो भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं कॉस्ट के टाइम पर भी ऐसा वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए, और इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो गाइज, तो मैं आप लोगों को इंस्टेंटली रिप्लाई देने का भी ट्राई करूंगी।
ओके गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से एक नए इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। Thank you.